मैं हिमांशी, स्वागत है आपका द पैम्फलेट में। रैगिंग, बढ़ते भारत के साथ शिक्षित समाज पर कलंक, जो समाज की डरा देने वाली तस्वीर पेश करता है। एक ऐसा कल्चर जो भारतीय समाज के कोने कोने में बस गया है। भारत में इसकी जड़ें 80 के दशक से ही फलना फूलना शुरू हो गई थी, लेकिन तब इस मामले पर न ज्यादा किसी ने ध्यान दिया और ना ही इसके बारे में बात करने की जहमत उठाई। 90 के दशक में इस रैगिंग के भीषण परिणाम भारत के शिक्षा संस्थानों में दिखने लगे। आर्थिक रूप से खुल चुके देश ने पश्चिम से नई तकनीक के साथ साथ कई बुराइयां भी आयात कर ली। अब माहौल ये है कि हर साल ही देश के शिक्षा संस्थानों से रैगिंग के दिल दहला देने वाली खबरें सामने आती रही हैं। और सबसे ज्यादा परेशान कर देने वाली बात ये है कि इन मामलों में वो शिक्षा संस्थान सबसे आगे दिखते हैं जहां डॉक्टर तैयार किए जाते हैं, यानी मेडिकल कॉलेज से। फैशन के नाम पर रैगिंग का सामान्यकरण किया जाता रहा है और अब इस प्रणाली ने ऐसा विकराल रूप धारण कर लिया है कि जो छात्र छात्रा इसके फंदे में आते हैं वो बड़ी ही मुश्किल से इससे बाहर आ पाते हैं। रैगिंग, कहां से आया ये शब्द हमारी संस्कृति में? कैसे इसे भारत की शिक्षण संस्कृति, जिसमें आपसी संवाद की परंपरा रही है, उसमें जगह मिली? रैगिंग, जिसे विदेशों में आमतौर पर बुलिंग के नाम से जाना जाता है, एशिया के दक्षिण हिस्से तक आते आते ये रैगिंग में बदल जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट बताती है कि रैगिंग वह आचरण है जिसे किसी छात्र को लिखकर या बोलकर परेशान किया जाए। रैगिंग, जिसके बारे में आम धारणा है कि इसे कॉलेज में सीनियर, यानी जो छात्र कॉलेज के मठाधीश बन चुके हैं, वो अन्य छात्रों को परेशान करते हैं। अब हम उन जड़ों के बारे में भी जान लेते हैं जहां से देश की युवा आबादी को मानसिक तनाव देने वाला ये दाव उपजा है। लोग सोचते हैं कि ये रुकता क्यों नहीं। अब इसके पीछे जवाब है पीढ़ी दर पीढ़ी इसको पास किया जाता रहना। जो छात्र एक बार रैगिंग से पीड़ित हो चुके होते हैं, वो अपनी सीख को खत्म करने के लिए अपने आने वाले छात्रों की कतार को उसी तरह से ट्रीट करते हैं जैसा सलूक उनके साथ कभी हुआ था, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब नए छात्रों की बात करें जिन पर ये कहर टूटता है। घर से पहली बार निकलकर आए ये छात्र जब इन चमकती हुई बिल्डिंगों में पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि रैगिंग तो हमेशा से चली आई है और ये एक परंपरा की तरह है। इस प्रक्रिया का वो खुद कब हिस्सा बन जाते हैं उन्हें भनक तक नहीं लगती। वहीं जो छात्र इस पीड़ा का सामना नहीं कर पाते, वो गहरे मानसिक तनाव अवसाद में पहुंच जाते हैं। सबसे खराब स्थिति तब आती है जब उज्जवल भविष्य का सपना लेकर इन चमकती बिल्डिंगों में आए ये छात्र अपनी जिंदगी की जंग से ही हार बैठते हैं। अगर रैगिंग को पुरानी 80 या 90 के दशक की बात कहें तो उसकी ये एकदम बेवकूफी होगी। आज के दौर में भी देश से लगातार रैगिंग के दिल दहला देने वाले मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला दिल्ली से सटे नोएडा का है, जहाँ एक छात्र को उसके सीनियर्स ने रैगिंग के दौरान इतना मारा पीटा कि उसकी हड्डियां टूट गई। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने अपने सीनियर्स को सर कहकर नहीं संबोधित किया। यह अकेला ऐसा मामला नहीं है, सिर्फ संस्थान और छात्र के नाम बदलते हैं, घटनाएं कमोबेश एक जैसी ही रहती हैं। एक और मामला पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का है। देहरादून शहर के सबसे प्रतिष्ठित और महंगे माने जाने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज UPES, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज से एक मामला सामने आया। यह मामला शनिवार रात 27 नवंबर 2022 का है, जब कॉलेज के 3 कथित सीनियर्स ने BBA के कई हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के साथ रैगिंग को अंजाम दिया। इस केस में सीनियर स्टूडेंट्स ने अपने साथी हॉस्टलर को जबरदस्ती शराब पीने, कपड़े उतारने के लिए फोर्स किया। इन छात्रों का वीडियो भी बनाया गया और बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए उसे डिलीट करने के लिए 60,000 रुपये की भी मांग की गई। अब पुलिस इस मामले पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन छात्रों की मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है। अब आपको कुछ रैगिंग के चर्चित मामले बताते हैं। 2019 में इटावा के यूपी रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कॉलेज का रैगिंग मामला, 2018 में इलाहाबाद के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का मामला, 2017 में विशाखापट्टनम के आंध्रा मेडिकल कॉलेज का मामला। फेरियत और भी लंबी होती जाती है, लेकिन मामले रुकने का नाम नहीं लेते। आज से करीब 25 साल पहले भी ऐसे ही मामले सामने आ रहे थे और आज भी आ रहे हैं। इन मामलों में वर्ष 1996 का पोन नवरासू रैगिंग केस भारत के वर्स्ट रैगिंग केसेस में से एक था। इस केस में 19 वर्षीय पोन नवरासू के शरीर के टुकड़े तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में पाए गए।
यह केस तमिलनाडु के चिदंबरम के एक विश्वविद्यालय का है, जहां कथित तौर पर एक वरिष्ठ छात्र जॉन डेविट ने पोन नवरासु को उसके जूते चाटने और उतारने को कहा। जब इस बात पर छात्र ने इनकार किया तो शारीरिक रूप से उस पर हमला किया गया। रैगिंग कर रहे वरिष्ठ छात्र डेविट को कॉलेज में एक गुंडे के रूप में जाना जाता था। हालांकि पूछताछ के बाद डेविट ने अपराध कबूल किया और उसे कारावास की सजा सुनाई गई। दिल दहला देने वाला एक और मामला 2009 में सामने आया, जब अमन कचरू नाम के एक छात्र को कॉलेज के चार सीनियर्स ने मिलकर मार दिया। ये केस हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज का था। सीनियर्स द्वारा की गई रैगिंग ने अमन के सर पर चोट आई थी, जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया था। अपनी दुर्भाग्यपूर्ण मौत से ठीक एक दिन पहले अमन ने सीनियर्स के खिलाफ रैगिंग करने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में अमन ने बताया था कि सीनियर्स ने करीब 13 छात्रों को इकट्ठा किया और उन्हें एक दूसरे को थप्पड़ मारने को कहा, जिसके बाद उनमें से एक सीनियर अजय वर्मा ने उन्हें 7 थप्पड़ मारे और ये रैगिंग सुबह के करीब 4 बजे तक चली, जिसके बाद अमन गंभीर रूप से सर दर्द की शिकायत लेकर कॉलेज के अस्पताल पहुंचा और रात तक अमन की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद आरोपियों को सजा भी सुनाई गई, लेकिन 2013 में उन्हें अच्छे आचरण के चलते रिहा करवा दिया गया था। ये दोनों ही भारत के वर्स्ट रैगिंग केसेस में से एक हैं, जिनमें आरोपियों को समय से पहले ही रिहा करवा दिया गया, यानी गंभीर केस होने के बावजूद भी इस केस में कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी गई। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग पर संज्ञान लेते हुए इसकी रोकथाम के लिए सीबीआई के पूर्व निदेशक ए राघवन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में अपने अंतर्गत आने वाले शिक्षा संस्थानों में रैगिंग के रोकथाम के लिए कई निर्देश जारी किए। कई राज्यों ने भी इस पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए। अब आपको बताते हैं कि वर्तमान समय में क्या नियम कानून रैगिंग के मामलों को रोकने के लिए बने हैं। 2021 में आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की एंटी रैगिंग रिपोर्ट में इसको लेकर कई नियम दिए गए हैं, जिसमें UGC ने एक 24/7 चलने वाला टोल फ्री एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर 1800-180-552 जारी किया है। ये नंबर पूरे राष्ट्र में 12 भाषाओं में स्थापित किया गया है, जिसमें रैगिंग संबंधित घटनाओं से छात्रों को मदद दी जाएगी। हेल्पलाइन नंबर के साथ साथ एक एंटी रैगिंग वेबसाइट यानी www.antiragging.in विकसित की गई है, जिसके पोर्टल में रजिस्टर्ड की गई कंप्लेंट्स पर कार्रवाई की स्थिति का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके साथ ही UGC ने उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग विरोधी प्रभावी उपायों के लिए एक इंटर काउंसिल समिति का गठन भी किया है और UGC समय समय पर रैगिंग की घटनाओं से बचने के लिए छात्रों के साथ नियमित बातचीत और परामर्श आयोजित करता रहता है। रैगिंग के लिए सजाएं भी राज्यों और कॉलेजों ने अपने स्तर पर तय की हुई हैं। रैगिंग के मामले में दोषी पाए जाने वाले दोषी छात्र छात्रा को कॉलेज से निकालने, हॉस्टल से निकालने, संस्थान में बैन करने, उनकी छात्रवृत्ति रोकने समेत आर्थिक दंड के भी प्रावधान हैं। रैगिंग की अक्सर जो पनिशमेंट दी जाती हैं वो कुछ इस तरह से हैं: कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन, सस्पेंशन फ्रॉम अटेंडिंग क्लासेस, withholding, withdrawing scholarship and other benefits, debarring from appearing in exams, withholding results, debarring the student from representing in any national or international and youth festivals, suspension from hostels, restriction from institution for a period of 1 to 4 years, also fine up to ₹25,000. क्योंकि पिछले कुछ समय से रैगिंग के अधिकांश मामले मेडिकल कॉलेज से ही देखने को मिलते रहे हैं, जिसे देखते हुए MCI यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के मामलों को देखते हुए कड़े कदम उठाए गए। वर्ष 2019 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये नियम बनाए। MCI के नियमों के अंतर्गत कॉलेज प्रशासन को रैगिंग की घटनाओं की जानकारी, अगर उसमें कोई कानूनी कार्रवाई हुई तो उसकी जानकारी रखने और एंटी रैगिंग कमेटी बनाने के साथ साथ CCTV कैमरे लगाने जैसे कदम शामिल हैं। वर्ष 2021 में नियमों को सख्त करते हुए MCI ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया, जिस पर छात्र रैगिंग संबंधित मामले दर्ज करा सकते हैं। वहीं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने रैगिंग की कड़ी सजा को लेकर भी नियम बनाए हैं, जिसमें आरोपी को 1,00,000 तक का फाइन तो भरना ही होगा। इसके साथ ही जितना गंभीर अपराध
उतनी ही कड़ी सजा भी सुनाई जाएगी। 2021 में आई यूजीसी की रिपोर्ट में बीते कुछ सालों के रैगिंग के मामले देखे जा सकते हैं। 2018 में 1016 केसेस, 2019 में 1070 केसेस, 2020 में 219 केसेस और 2021 में 485 केसेस, यानी 2018 से 2021 तक टोटल 2790 रैगिंग केस। वहीं 2018 से पहले के कुछ सालों में 2700 तक के टोटल रैगिंग के मामले सामने आए थे, यानी रैगिंग के मामलों में कुछ खास बदलाव नहीं देखा गया है। रैगिंग को लेकर कई नियम कानून जरूर बने, अपराधियों को सजा भी सुनाई गई, लेकिन आज भी लगातार रैगिंग के मामले सामने आते रहे हैं। आज भी भारत रैगिंग के मामलों में विश्व भर में प्रथम देशों में से एक है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल द पैम्फलेट को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।